तो कल हमने भगवद गीता की शुरुआत की थी। तो भगवद गीता को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है, तीन तीन मतलब तीन भागों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 से 6, अध्याय 7 से 12 और अध्याय 13 से 18। 1 से 6 कर्म योग के बारे में बात करते हैं, 7 से 12 भक्ति योग के बारे में बात करते हैं, और 13 से 18 जो अध्याय है वो सॉरी ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया है कर्म करने की कला श्री कृष्ण के लिए भौतिक जगत में रहते हुए, आर्ट ऑफ वर्किंग फॉर कृष्ण वर्क बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो कल हमने शुरू की थी जैसे धृतराष्ट्र के प्रश्न से, हम श्लोक बाय श्लोक जा रहे हैं। उसने प्रश्न पूछा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फला, तो प्रभुपाद के परपोर्ट हमने देखा कि और अब भागवतम के साथ कनेक्शन बिठाएंगे, महाभारत के साथ कनेक्शन बिठाएंगे। तो प्रश्न पूछने का कारण था उसको इच्छा थी जानना, दूसरा था उसको संशय था क्या होगा धर्म क्षेत्र पे, और वो भयभीत था क्या मेरे पुत्रों का, भयभीत इसलिए था कि उसके पुत्र अधर्मी थे, और उसको एक आशा भी थी क्योंकि भीमसेन और द्रोणाचार्य उनके पक्ष में था। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय उनके मनोभाव समझ जाते हैं, और बाद में उन्होंने दुर्योधन ने क्या किया, तो उन्होंने दुर्योधन से शुरू किया। तो ये हमने दूसरी शिक्षा ली थी, ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषता विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। तो दुर्योधन पांडवों की व्यूहरचना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं बताने के लिए, और द्रोणाचार्य को थोड़े टॉन्ट मारते हैं कि देखिए आपके जो द्रुपद पुत्र है जानबूझ के दुष्ट तुमने बोलने की जगह पे द्रुपद पुत्र बोल रहे हैं, भीम और अर्जुन तो बोले दिया, उनको कुंती पुत्र नहीं बोला, तो यहाँ पे द्रुपद पुत्र जानबूझ कर बोला। अरे उनको दिखा रहे अपने मूर्खता, देखिए आपने ही द्रुपद पुत्र जो आपको मारने के लिए उत्पन्न किया गया है, जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए, उनको ही आपने शिक्षा दे दी। तो ये सब चीजों से वो बाद में विभिन्न सॉरी अलग अलग योद्धाओं के बारे में वर्णन करते हैं, करते हैं दुर्योधन। तो पहले सारे योद्धाओं का कंपैरिजन तुलना वो भीम और अर्जुन के साथ करते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग योद्धाओं के बारे में बताते हैं, फिर बोलते हैं हमारे में भी कोई विशेष योद्धाएं हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे में कोई विशेष योद्धा नहीं है जो मेरे लिए अपना जीवन मेरा जीवन त्यागने के लिए तैयार है, तो बता रहे हैं जैसे पितामह भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य ये सब चीजें हैं। बोलते बहुत सारे अन्य लोग हैं जो मेरा मेरे लिए जीवन त्यागेंगे, फिर बता रहे हैं कि हमारा जो सैन्य, फिर एक तो डरा हुआ भी है, लेकिन जब व्यक्ति डरा होता है तो क्या करता है, डर छुपाने की कोशिश करता है। जैसे चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में बहुत ही अच्छा बताते हैं, सॉरी हम यहाँ पे चाणक्य नीति थोड़ा लेके आ रहा हूँ, तो वो बताते हैं कि एक कूटनीति का एक दाव है। तो बोलते हैं जब आप युद्ध करने जाते हैं और आपके आपके जो दुश्मन है उसका सैन्य बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा संख्या में आपका सैन्य बल, और आपका सैन्य बल बहुत कम है, तो ऐसा हाव भाव पैदा करो कि सामने वाले को लगे कि आपकी सेना, सॉरी ऐसा नहीं बोला, आपका सैन्य बल में सैनिकों की संख्या कम है, तो आप ऐसा हाव भाव पैदा करो कि लोगों को लगे कि आपकी सेना बहुत बड़ी है। और दूसरा पॉइंट बोलते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ी सेना है तो ऐसा दिखाव करो कि आपके पास बहुत छोटी सेना है। दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था, इसीलिए तो द्रोणाचार्य के पास गया, उसकी गलती दिखाई। अगर वो डरा हुआ नहीं था तो गलती दिखाने की क्या जरूरत थी भी नहीं, सीधा सा पॉइंट है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं हमारा बल, हम तो पितामह भीष्म से बहुत अच्छे सुरक्षित है, अभी ये नहीं बोले अपने गुरु के, तो गुरु भी थे, गुरु के सामने बोल रहे पितामह भीष्म, अच्छी बात है, बुरी नहीं, बट गुरु द्रोणाचार्य भी तो कम नहीं थे, जब तक उनके हाथ वो धनुष त्याग नहीं करते, जब तक रथ समाधि में नहीं बैठते, अचेत नहीं हो जाते, तब तक अचेत मतलब एक्सटर्नली, तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। और भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का तो वरदान ही था, तो फिर भी वो ऐसा भीष्म पितामह की तारीफ करते हैं और बोलते भीम जो पांडवों का जो बल है भीम से, भीम के सीमित बल से
रक्षित है। तो ये हमने देखा। और 11वें श्लोक में फिर अपना कूटनीति का दाव पेश खेलता है। तो 11वें श्लोक में बताता है जो हम जहां पर हमने कल समाप्त किया था, तो बोलते हैं यानी सूच सर्वेशु यथा भाग अवस्थित पितामह भीष्म की तारीफ करने के बाद जिसका हमने तात्पर्य भी पढ़ा था, तो उसको लगा कि अरे तो दूसरे योद्धा नाराज ना हो जाए, हमारी तारीफ नहीं की, तो उसने बहुत कूटनीतिज्ञ से राजनीतिक ढंग से क्या किया, बोले हाँ फिर भी पितामह भीष्म तो वृद्ध है, हो सकता है वो कहीं लड़ाई में लगे हुए हो और दुश्मन उसका फायदा उठाकर उनके ऊपर आक्रमण कर दे। तो बोले आप सबकी सहाय, आप सब पितामह भीष्म की रक्षा करें। रक्षा करें मतलब जो रक्षा करने वाला है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, तो ये चीज बता दी। तो वो बहुत कूटनीतिज्ञ है, सबको उन्होंने आदेश दिया। उसके बाद बहुत ही यहाँ पे शुरू होते हैं, भीष्म पितामह अपने संघ बजाते हैं, संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विना घोषे शंखम तद्मो प्रतापना। तो बोलते तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पिता परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, तो जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो बेसिकली पहले दुर्योधन को भयभीत देखा, लेकिन जैसे पितामह उनको श्योर हो गया कि पितामह भीष्म अभी युद्ध करने के लिए तैयार है, तो वो भी खुश हो गया। द्रौपद बहुत ही अच्छा लिखता है। एक्चुअली दुर्योधन इतना मूर्ख था, उसको पता नहीं है कि ये जो शंख ध्वनि है वो उसकी विजय की शंख विजय का शंख नाद नहीं है, उसके अंत का शंख नाद है। तो तात्पर्य में बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने। सो कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपने शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ओके, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखे। तो जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित रूप से रहती है। तो इसका टाइटल क्यों दिया है तो हमें तभी समझ में आएगा जब हम श्लोक नंबर 19 पर पहुंचेंगे। तो जब 11वें श्लोक में उन्होंने ये वर्णन कर दिया, सबको आदेश दे दिया, तब पितामह शंख बजाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे शंखनाद होते हैं, फिर नगाड़े बजते हैं, बहुत सारे लोग अपने शंख बजाते हैं। बोलते शंखस्य भैर्यस्य पणवानथ गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्तस् सशब्द तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहस एक साथ बज उठे, वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो आज इतना फिलोसॉफिकल काम है, फिर भी हम श्लोक बाय श्लोक जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग जैसे नगारे वगैरह बजने लगे। अभी देखते हैं, ये तो दुर्योधन की सेना का ओर का हो गया। अभी आते हैं, तस्वे तेर हयुक्ते महति स्वयं दने स्थित माधव पांडव सेव दिव्य शंखो दत्मतो। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो देखिए दिव्य शंखो प्रदत्मता, तो बहुत दिव्य दिव्य शंख बोला है और भीष्म पितामह के केस में दिव्य नहीं बोला है। द्रौपद जो अपनी कमेंट्री शंखम तद्वो प्रतापान और यहाँ पे दिव्य शंख प्रदत्मता। ओके, आई नॉट एबल टू सी पीडीएफ। प्रभु सबको पीडीएफ देख रहे हैं क्या? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
स्लाइड को नीचे कर दो। अभी दिख रहा है प्रभु, हर्षद प्रभु? ओहो, एक मिनट, पीडीएफ नहीं दिख रहा, पीपीटी दिख रहा है। अच्छा, मैं पीडीएफ से बात बोल रहा था। अभी दिख रहा है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी अब आ दिख रहा है, गया। अभी अभी हाँ अभी अब आ दिख गया। रहा है। सॉरी आ गया, आ गया पुलिस। सॉरी सॉरी। तो 11वें श्लोक में पिता, सॉरी 12वें श्लोक में पिता मां ने शंख बजाया, उसको कोई दिव्य शंख नहीं बोला गया है। लेकिन 13वें श्लोक में बोल 14वें श्लोक में जो बताया, दिव्य शंख को प्रदत्त मतलब, तो यहाँ पे दिव्य शंख कहा गया। तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है स्पेसिफिकली दिव्य शंख पर है। ओके, तो मतलब भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। तो जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनम, ये 19वें श्लोक में जाएंगे। मैं अभी से बता देता हूँ, 19वें श्लोक में बताते हैं, संजय ही बताता है 19वें श्लोक में कि क्या बोल रहे। सघोषो धातरा श्राणम, मैं बीच के श्लोक लूंगा। सघोषो धातरा श्राणम तदयानि गेदारयाद नमस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो फिर अनुनादय। तो बोल रहे हैं इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर देना। विदीर्ण मतलब हृदय को तोड़ देना, तो हृदय को तोड़ने लगी। ठीक है, विदीर्ण का मुझे जहां तक लग रहा है मुझे तोड़ना ही होता है, बट आप समझ जाना जो भी है, मतलब दे बिकम अफ्रेड। तो उनके हृदयों को कर दिया क्या, दे बिकम फियरफुल, देयर हार्ट्स वर शैटर्ड, उनका हृदय टूट गए थे। तो बेसिकली प्रभुपाद ने आगे यहाँ पर ही पूरा कनेक्शन दिखा दिया है। ओके, तो संजय ने भी बता दिया कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो डर गए। तो इससे पता लगता है कि ना, कि इसीलिए ये इसको बताया गया है, तो साइन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ पांडवा जो यहाँ पे बताया, जहाँ कृष्ण है वही विजय निश्चित रूप से रहती है। तो संजय ये भगवद गीता के शुरुआत में यहाँ पर ही बता रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, और लास्ट श्लोक में भी यही बताएंगे भगवद गीता के अंतिम श्लोक में, ये यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधर तत्र यत्र श्री भूतयोर ध्रुवीर नितिर मतिर मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है, वहां स्त्री है, विजय भूतिर ध्रुवी नीतिर मतिर मम, नीति भी है, सब है वहां पे, मोरालिटी है, सब आ जाता है। तो शुरुआत में भी संजय यहाँ पे वो बता ही देते हैं। ओके, तो अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संघ द्वारा उत्पन्न दिव्य धनी से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इससे अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को दूसरा, देखो दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, सॉरी ये पांडवों के विजय की निशानी थी। एक कौन सा, भगवान और अर्जुन के दिव्य शंख बजे। दूसरा कौन सा था, इससे अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्राप्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी जाएंगे वहां विजय निश्चित है। तो अग्निदेव ने भी दिया था रथ। और चौथा 20वें श्लोक में आएगा, अभी से मैं बता देता हूँ सीक्वेंस में जाए उससे पहले 20वें श्लोक में आएगा। अथ अव्यवस्थितं दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्र शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव धातराष्ट्रं कपिध्वजः कपिध्वजः। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु की तरह अर्जुन अपना धनुष उठा गया। हनुमान जी का निशान, जैसे आपको पता होगा जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, सॉरी वनवास में थे, अज्ञातवास में नहीं थे इस वक्त, एक बार भीम कहीं तो गए थे, निराश होकर चले गए थे, तब आ रहे थे। तो एक बार उनको रास्ते में बहुत बड़ा वानर मिला था,
एक कथा आपको पता होगी, तो वानर आई थिंक पैर या पूछ लगा के लंबा बैठा था, मुझे याद नहीं, तो पूछ। भीम पूछ ना, तो भीम से क्रॉस नहीं करना चाहते थे, तो उनको बोले उठा ले, तो कुछ तो बोले राम नाम लो और आगे बढ़ो, कुछ तो बोले मुझे याद नहीं है जो भी, तो भीमसेन को आया गुस्सा, उनको लगा पूछ उठा के फेंक दूंगा, तो उठा ही नहीं पाए, तो भीमसेन को पता लगा ये तो हनुमान जी हो सकते हैं, तो उस वक्त हनुमान जी को भीमसेन ने विनती की कि कृपया आप हमारे जैसे रामचंद्र के समय में आपने राम जी के लिए युद्ध किया था, इस वक्त आप हमारे पक्ष में रह के युद्ध कीजिए। तो भीम जी भी वायु पुत्र है, हनुमान जी वायु पुत्र है, मध्वाचार्य भी वायु पुत्र है जो हमारे परंपरा में आते हैं, तो भीम जी ने सॉरी तो हनुमान जी बोले मेरा युद्ध तो उसी वक्त समाप्त हो गया था जब श्री राम जी का युद्ध हुआ था, समाप्त हुआ था, लेकिन मैं आपकी सेना में ध्वजा के ऊपर अंकित रह के हमेशा रहूं, ऐसा बोले थे, तो उस वक्त से थे, तो ये भी उनकी एक निशानी थी। तो अभी यहाँ पे आगे किस श्लोक में आते हैं, अभी शंखनाद चल रहे हैं, किसने कौन से शंख बजाए, तो देखिए अभी पांडवों के पक्ष में शंख का नाम लेके बोला जा रहा है, पंचजन्य ऋषि केसा देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धत्व महाशंखम भीम कर्मा भुकोधरा। तो भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी रुकोधरा मतलब बहुत The one who is able to do Herculean task and is voracious eater. तो मतलब अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रा नाम के संघ बजाए। भगवान कृष्ण का संघ का नाम था पांचजन्य। वो उनको कब मिला था, जब वो अपने गुरु के पुत्र को ढूंढने, मरे हुए पुत्र को ढूंढने गए थे, कौन से एरिया में, सोमनाथ वाले प्रभास क्षेत्र एरिया में गए थे, तो वहां पे एक राक्षस को मारा था, शंख का पांचजन्य नाम के शंख में एक राक्षस था उसको मारा था, और वो शंख लेके आए, तो वही पांचजन्य शंख है, और अर्जुन का शंख है देवदत्त। तो यहाँ पे तात्पर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी तात्पर्य में नहीं जा रहा हूँ, हो सके तो समय समय मिले तो पढ़िए, ठीक है। तो फिर आगे बोल रहे, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलासा देवस्य सुगोस मणि पुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वास शिखंडीस्य महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकीस्य अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखं दद्मु पृथक् पृथक्। बोल रहे यहाँ पर, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुगोस एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रुपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए, ठीक है। तो एक्चुअली ये थोड़ा तात्पर्य पढ़ ही लेना चाहिए किस श्लोक का। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में भगवान को कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, ठीक है। एनीवे छोड़ते हैं, समय लग जाए कुछ, एनीवे जाने दो, लेकिन तात्पर्य काफी अच्छा था। तो यहाँ पर ये परपोट पढ़ लेते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यहाँ बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने का अविवेकपूर्ण नीति श्रद्धान्य नहीं, लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। विश्व पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अरे यू नो इसीलिए ना
बचपन से तमाशा मारा नहीं था ना, तो उसका परिणाम था। तो ये स्पष्ट कर रहे थे अगले श्लोक में कि जो शंखनाद हो रहा है, जिस 19वें श्लोक में बता रहे हैं सघोषधातराष्टाणम, तो जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य इस हिसाब से लिखा है, अब पिछले वाला श्लोक और आगे वाले श्लोक को कनेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे लगा कि यू नो श्रद्धालय नहीं है, और लक्ष्मण से पहले से ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारे कुरुवंश मारा जाएंगे। तो देखिए तो ये श्लोक से वो प्रतीत होता है कि सघोषधातराष्टाणम हृदयानि व्यदारया नवश्य पृथ्वीं चैव तुमलोभ्युन अनुनादया। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्णक बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र को हृदय को विदीर्ण करने लगे। ओके, तो ये बहुत ही यहाँ पे एक धृतराष्ट्र को लग रहा था, धृतराष्ट्र को बता भी दिया भाई आसान नहीं है। तो जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में संतनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। लेकिन भगवद गीता में अभी तक हमें यह श्लोक नहीं मिला, वहां पे बताया गया है कि कौरवों का शंख बजा और पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया, वो हमें नहीं मिला। ठीक है, लेकिन संजय यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि दुर्योधन के पक्ष कुरुवंशीय मतलब दुर्योधन के पक्ष में लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास। ठीक है, तो वही हमने चर्चा की थी, याद होगा भगवान को चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान को स्वीकारा और दुर्योधन ने भगवान की शक्ति। तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो अर्जुन तो खुश थे भगवान को स्वीकार कर। ठीक है, तो यहाँ तक जो यू नो पांडवों के जो विजय की प्रतीक थे, कौन कौन से विजय के प्रतीक थे? एक तो भगवान कृष्ण पांडव के पक्ष में है, तो वो सबसे पहला प्रतीक। दूसरा प्रतीक कौन सा है? शंखनाद, जो पांडवों का जो शंखनाद हुआ वो दूसरे विजय का प्रतीक है। तीसरा क्या है? अर्जुन का जो रथ था जो अग्निदेव ने दिया था, वो तीसरा प्रतीक है। और चौथा जो अर्जुन का जो रथ थी इसके ऊपर जो ध्वजा थी वहां पे हनुमान जी का चिन्ह था कपी ध्वजा, तो वो चार निशान थे जो पांडवों के विजय को सूचित करते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज एक सेक्शन पूर्ण किया, वो सेक्शन था जहाँ कृष्ण है, जहाँ भगवान है सॉरी पांडवों का विजय सूची। तो उसके उसके हमने आज एक सेक्शन हमने पूर्ण किया यहाँ पे, एक से लेके 12 से लेके 19वें श्लोक तक। तो एक्चुअली ना श्लोक सेम थीम वाले श्लोक है जो मैं कवर कर रहा हूँ। एक जैसे पहला श्लोक उसकी थीम थे गिव अप मी एंड माइन, मेरा और आपका छोड़ो और हमारा सोचो, कहावत है ना, मेरा तेरा छोड़ो और हमारा सोचो। तो पहले श्लोक में दुर्योधन धृतराष्ट्र बताता है कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, उसको डाउट था। फिर दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक ही है, दुर्योधन की कूटनीति राजनीति चल रही है, थीम सिमिलर है वर्ष की। तो इस हिसाब से सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, पहला श्लोक दूसरे से लेके 11वां श्लोक, 12वां से लेके 19वें श्लोक में क्या हो रहा है, शंखनाद हो रहा है और उसका परिणाम क्या है वो भी बताया गया। ठीक है, तो ये हम जो सेक्शन जो डिवाइड किया है सिमिलर थीम के हिसाब से डिवाइड किया है। तो आगे चलते हैं अभी। ठीक है, तो अभी जो है सॉरी ये श्लोक नहीं था, ये रहा तीसरा। अभी अर्जुन युद्ध भूमि का सैन्य निरीक्षण करते हैं, तो हम वो श्लोक पर आएंगे। तो बोलते हैं अथ अव्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्र, अभी यहाँ पे शंखनाद पूर्ण हो गया है,
अभी क्या हो रहा है, संजय बता रहे हैं, अथा अव्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो उस समय हनुमान सर की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्दत हुआ। तो अर्जुन तीर चलाने वाले थे, तो फिर बोलते हे राजन, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं धृतराष्ट्र, सॉरी अर्जुन ने श्री कृष्ण को ये वचन कहे। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच सेना रुग्र मध्य रथमस्थाप्य में अच्युत यावदेतन निरीक्षे हम युद्ध का मान अवस्थित केर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो अर्जुन ने कहा हे अच्युत, तो यहाँ पे अच्युत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तात्पर्य में लिखा है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला, आप पढ़ लीजिएगा। अर्जुन ने कहा हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। यहाँ पे अच्युत शब्द इसलिए है, अर्जुन भी भगवान को बोल रहे हैं अच्युत मतलब आप मेरे सारथी बन गए। भगवान प्रेमवश अर्जुन के सारथी बने थे, और अच्युत मतलब ही नेवर फेल्स, नेवर फॉल, वो उसका कभी अपने पद से उसका पतन नहीं होता, वो जो वाक्य बोलते हैं वो हमेशा करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उनके सारथी बनेंगे, तो वही चीजों के लिए उन्होंने जो बोला परपोट में लिखा है, पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोल रहे युत्समान अवक्षेहम एत्यत्र समागत धृतराष्ट्र से दूर बुद्धेर युद्धेर प्रिय चिकित्सव। तो आगे अर्जुन बोल रहे मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, अर्जुन भी बोल रहे हैं दुर्बुद्धि पुत्र धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धेर प्रिय चिकित्सव, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। तो अर्जुन उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वे संजय बताते हैं, बाद में संजय ने वापस कन्वर्सेशन शुरू किया। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच भी वापस संजय उवाच हो रहे हैं। संजय उवाच एवं उत्तर ऋषि केश गुड़ा केश न भारत सेन रुग्र मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। तो संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार, भरतवंशी यहाँ पे धृतराष्ट्र को बोला गया है, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पे परपोट में लिखते हैं प्रभुपाद की जानबूझ के कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ वहां पर लेके आए जहाँ पे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण वगैरह वगैरह थे। तो वहां पर लिखते हैं, सॉरी अगले श्लोक में लिखेंगे। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अभी भगवान ने अर्जुन का रथ तो ला दिया, अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, संजय आगे बता रहे हैं भीष्म द्रोणम प्रमुखता सर्वेशम च महीक्षितम उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान यहाँ पे पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार भगवत गीता में भगवान यहाँ पे बोलना शुरू कर रहे हैं, बाद में सेकंड अध्याय में बोलना शुरू करेंगे। बोलते हैं हे पार्थ, भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखे। तो भगवान ने जानबूझकर अर्जुन का रथ भीष्म द्रोण के सामने लेकर आए थे, ठीक है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं तत्रपश्यस्तितान पार्थ पितृन अथ पितामह आचार्यन मातुलान भातृन पुत्रान पोत्रान सखीं तथा
ससुरा सूरदेश सूरदश सेनोरुभ्यरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पोत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने कहा देखा तो फिर भी संजय का कन्वर्सेशन चल रहा है। एक्चुअली 27 श्लोक से एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है, 27 से लेके दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक। तो यहाँ तक जो आज अर्जुन का सैन्य निरीक्षण था वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो हमने पहला सेक्शन में था धृतराष्ट्र ने बोला, दूसरे पहले अध्याय के दूसरे से लेकर 11वें श्लोक तक हमने क्या देखा, धृतराष्ट्र की राजनीति। पहले अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद देखा जो पांडवों की विजय की निशानी थी। 20वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक 26वें श्लोक में क्या देखा हमने, अर्जुन क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि का, ऑब्जर्विंग द बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि का परीक्षण कर रहे, परीक्षण नहीं बोलेंगे बट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन ने क्या क्या दिखा वो समाप्त हुआ। फिर भी मैं अगला श्लोक बोल दूंगा लेकिन हम कल शुरुआत करेंगे यही श्लोक से, क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जितने भी आ रहे हैं वो भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय का हमारा बेस सेट करेगा, अगर ये नहीं समझे तो दूसरा और तीसरा अध्याय का लिंक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो 27वें श्लोक में बता रहे हैं अभी अर्जुन का क्या रिएक्शन हुआ, अर्जुन का क्या रिएक्शन हुआ, आर्मी को देख लिया, युद्ध मैदान का निरीक्षण कर लिया, अभी अर्जुन का क्या रिएक्शन है मतलब अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है वो ये श्लोक में बताते हैं संजय। संजय बोलते हैं तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान बंधु अवस्थितान कृपया परया विष्णु विषीदन इदम ब्रवीत। क्या हुआ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और उस प्रकार बोला, तो उसके अंदर करुणा आ गई, करुणा आ गई। तो क्या बोल रहे हैं आगे अर्जुन, क्या बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं पर मेरा मुंह सूख जा रहा। कल हम डिस्कस करेंगे वापस। बोल रहे मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है पर मेरी त्वचा जल रही है। आगे बोल रहे मैं यहाँ सब यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ पर मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने इस स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छाई दिखाती नहीं है दिखती है मुझे कोई अच्छाई दिखती है ना, तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया है, कल हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अर्जुन कुछ कारण देते हैं, वो कारण का जो उत्तर है दूसरे अध्याय में है और तीसरे अध्याय में है। फिर जब दूसरे अध्याय में कुछ उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए, अर्जुन यहाँ पे कुछ कारण दे रहे हैं, मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, कृपा रखनी चाहिए। दूसरा बोलता है मुझमें पाप लगेगा, तीसरा बोलता है वर्ण संकर नष्ट हो जाएगा, कल चर्चा करेंगे हम उसकी। और चौथा बोलता है कि मुझे निर्णय लेने में नहीं असमर्थ हूँ, तो ये सब चीजें बता रहे हैं, पांच अलग अलग रीजन बता रहे हैं। तो उसका जो आंसर है दूसरे अध्याय में और कुछ एक आंसर तीसरे अध्याय में है। तो जब दूसरे अध्याय में उसका आंसर देते हैं तो अर्जुन को वापस प्रश्न होता है। तो पहले अध्याय में जो अर्जुन ने कारण दिए युद्ध नहीं करने के, उसके उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में देते हैं। और जब दूसरे अध्याय में उसके उत्तर दे रहे हैं तो अर्जुन को और प्रश्न हुए। उस प्रकार पूरी भगवद गीता चलती है, जब तक अर्जुन ये नहीं बोल देता नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई, तब तक ये कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, तो भगवत गीता भेजी के लिए अगर ये डायलॉग समझ में आ गया, ये कन्वर्सेशन कहा कौन से प्रश्न, अर्जुन के कौन से प्रश्न का जवाब भगवान कहाँ पर दे रहे हैं,
और भगवान ने क्या कहा उसका अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, कौन से श्लोक के ऊपर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अगर ये समझ गए तो भगवद गीता की लिंक हो गई। तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जहां पर अर्जुन का जो सैन्य निरीक्षण, युद्ध भूमि का निरीक्षण हुआ और उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी उसका डिटेल चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।